हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को आइडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप किसी भी टेक्स्ट को आइडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की नई वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसकी आवश्यकता हमको बहुत जगह पड़ती है। जैसे दोस्तों, अगर कुछ लिखा हुआ है आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सिंपली उसको कॉपी करके और आप इसमें पेस्ट कर देंगे तो आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको सुना देगा कि वहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। और दोस्तों, बहुत लोग तो इसका यूज यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। तो मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है टेक्स्ट टू स्पीच TTS। तो मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं टाइप कर दिया टेक्स्ट टू स्पीच TTS। अब मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐप मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहली वाली ऐप आ रही है सबसे बेस्ट ऐप है, आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिए और आप इसका आइकन ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसको मैं पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक तीर दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे भाषा मिल जाते हैं, ठीक है। आप कौन सी भाषा में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ से हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जिस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अपने टेक्स्ट टू स्पीच को ओपन कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। गुर्दे और मूत्राशय की पत्थरी में रामबाण तरबूज के बीज, होम रेमेडी फॉर किडनी स्टोन। दोस्तों, बहुत तेजी से बोल रहा है, तो आप यहाँ से इसकी स्पीड को कम कर सकते हो। यहाँ से मैं कम कर देता हूँ। अब मैं प्ले कर देता हूँ। गुर्दे और मूत्राशय की पत्थरी में रामबाण तरबूज के बीज, होम रेमेडी फॉर किडनी स्टोन। इस गर्मी तरबूज आएंगे तो उनको खाने के बाद जो बीज आप फेंक देते हो वो बीज इस बार फेंकिएगा मत। इनसे बनेगी गुर्दे की पत्थरी की अचूक दवा। तरबूज के बीजों की मींगी गिरी पत्थरी में रामबाण है। सिर्फ 5 सेकंड 7 दिन में गुर्दे और मूत्राशय की पत्थरी निकालने में बहुत सक्षम है। 3 से 7 दिन प्रयोग करने के बाद अपना रिजल्ट जरूर बताएं। आइए जानें ये प्रयोग। तरबूज के बीजों का छिलका निकाल लें और ऐसी तरबूज के बीजों की मींगी 12 ग्राम लेकर सिलबट्टे पर पानी के साथ खूब बारीक घोट पीस लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेव टू वेब फाइल कर देना है, ठीक है। तो हमारा ऑडियो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।